अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुमैया तनवीर। आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। फजलुर रहमान करप्ट है, मौलाना कहना उलमा की तोहीन है। मरियम नवाज का वजीर आजम पर वार, मुल्क दो बार से करप्शन में धंसा है लेकिन बंदा ईमानदार है। इमरान ने सच कहा था, वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन होती है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान के दिमाग पर मौलाना सवार है। इमरान खान का मकसद शफाफियत नहीं, लाडलों को सेनेट में कामयाब कराना है। भुट्टो खानदान में बरसों बाद पहली खुशी, बिलावल हाउस कराची में आसफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी का निकाह हो गया। यकम फरवरी से पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा और डीजल 10 रुपए महंगा करने की तजवीज, ओगरा ने पेट्रोलियम मसूलात की कीमत की समरी भेज दी। मुल्तान में चंद रोज पहले बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाला डॉक्टर अजहर के भाई डॉक्टर सलीम पुरस्कार तौर पर जाँ बहक। डॉक्टर सलीम अपने घर के किचन में झुलस कर जान से गए। फ्रांस का गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए सरहदें बंद करने का ऐलान, फिलहाल किसी नए मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान मजीद 18 अशिया महंगी हो गई। गोश्त, लाल मिर्च, घी और लहसुन की कीमत बढ़ गई। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना और चावल की कीमत भी बढ़ गई। गुड़, मटन और साबुन की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 26.73 पैसे, कुकिंग ऑयल औसतन 10.8 रुपए किलो बढ़ गया। टमाटर की कीमत 19 रुपए और अंडे की फी दर्जन औसतन कीमत 12.70 पैसे कम हो गई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें www.zornews.tv। देखते रहे जोर न्यूज़।